हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यशवंतराव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी का प्रोविजनल रिजल्ट कैसे चेक करना है, फाइनल ईयर एग्जाम का रिजल्ट कैसे चेक करना है, तो आज के वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मोबाइल से ही आपका यशवंतराव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको यशवंतराव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में लेटेस्ट जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया गया है उसमें आप जरूर लिख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं YCMU यूनिवर्सिटी का प्रोविजनल एग्जाम रिजल्ट, फाइनल ईयर एग्जाम रिजल्ट कैसे चेक करते हैं। के लिए आपको अपने मोबाइल का गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं सर्च बार में आपको YCMU यूनिवर्सिटी सर्च करना होगा। तो मैं यहां पर YCMU यूनिवर्सिटी टाइप करता हूं। YCMU यूनिवर्सिटी टाइप करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं नीचे में यहाँ पर गो ऑप्शन दिया गया है, तो आपको गो ऑप्शन पर क्लिक करना है। गो ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर ही यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी डिजिटल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। क्लिक करने के बाद एक या दो सेकंड के अंदर आपके सामने YCMU की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको रिजल्ट सेक्शन पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपको रिजल्ट देखना है। रिजल्ट देखने के लिए रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको आपका एग्ज़ाम का प्रोविजनल रिजल्ट देखना है। प्रोविजनल रिजल्ट देखने के लिए क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन प्रोविजनल रिजल्ट पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ से आप आपका एग्ज़ाम रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट नंबर पर आप आपका एग्ज़ाम इवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपका PRN नंबर एंटर करना है और यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करना है। बाद में सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना है, आप आपका रिजल्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी को शेयर भी कीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो सचमुच अच्छा लगा है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।